फ्रेंड्स वेलकम टू मन्नू क्रिएशन। आज हम आपको बोट नेक में डिज़ाइन करके बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। से कपड़ा और अस्तर को काट लिए हैं। हम पहले अस्तर को ज्वाइंट कर देते हैं कपड़े में। अस्तर को हम ज्वाइंट कर दिए हैं, अब इसको हटाते हैं और बुकरम लेके इसमें निशान लगा रहे हैं। गले की डीप हमें चाहिए 7 इंच। गले के पास 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमको डीप चाहिए, इसलिए हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा करके ही लेंगे, 3 इंच रखते हैं। और इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हम गोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच करके इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब इस निशान को भी हम इस तरह गोल मिला लेंगे। अब इसका कटिंग कर ले रहे हैं। इस तरह से हम गोल्डन कपड़ा में निकाल के इसको फिट कर लेते हैं, पिन लगा ले रहे हैं ताकि ये हिले ना। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम है तो उसको आयरन करके आप चिपका सकते हैं। ये पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं है इसलिए हम इसमें पिन लगा रहे हैं। और पिन लगा कर हम साइड से चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। हम इधर इस तरह कपड़ा ऐसे मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल दे रहे हैं। रुक जाओ। ये हम सिलाई कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको बीचों बीच रख के यहाँ पे कट का निशान दे देंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं बीच में। अब हम इसको भी बीच में इस तरह से कट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे भी बीच में कट का निशान लगा लेते हैं और यहाँ बीच में हम इस तरह निशान लगा ले रहे हैं। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको एकदम बीच में, ये जो दोनों कट है वो दोनों सामने मिलना चाहिए। और ये निशान जो हम लगाए हैं, ये देखिए यहाँ निशान, इसको बीच में ऐसे मिला के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे मिलाते हुए इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पर इस तरह मिलाते हुए देखिए यहाँ पे बीच में से सिलाई लगा लेते हैं। सॉरी, हम एक चीज़ बताना भूल गए, ये उल्टी साइड में, ये कपड़ा जो है उल्टी साइड अस्तर के तरफ रखे हैं और ये गोल्डन कपड़ा इधर ऐसे सीधा है, सीधा साइड जो है उल्टा रख के हम इसको सिलाई किए हैं। अब हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे कपड़े में।
अब हम इस कपड़े को निकाल लेंगे काट के। अब सिलाई के अंदर ही हमको छोटा छोटा कट लगा लेना है। अब हम इसको पलट लेते हैं सीधे साइड तरफ। पलट कर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ थोड़ा पाइपिंग के लिए इस तरह से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इस कलर में डोरी बना लिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा चौड़ा है और ये गोल पतला में निकाले हैं। हम ये चौड़ा वाला जो डोरी है उसको हम इस तरह से इतना 1.5 इंच करके हम कट कर लेते हैं। तरह से हम इतना सारा छोटा छोटा करके काट लिए हैं। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूर पे इस तरह लगाते हैं। हम ये डोरी जो बनाए हैं यहाँ पे लगाएंगे। अब हम दूसरी डोरी लिए हैं। इसके इस साइड इस तरह से धागा फंसा कर इसमें हम डालेंगे। अब हम इसको काट के निकाल लेते हैं। ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।